हेलो एवरीवन, तो नेक्स्ट चैप्टर है ऐड आवर पॉइंट्स। दिस इज चैप्टर 10। तो ये चैप्टर पढ़ने से पहले आप सब में से जिन लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और जो नोटिफिकेशन आइकॉन है उस पर भी क्लिक करो, ताकि जैसे ही कोई मैं वीडियो पोस्ट करूँ आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिले और आप उसे तुरंत देख सको। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे ऐड आवर पॉइंट्स, ये है चैप्टर 10। फर्स्ट इज टॉस द बॉल। एनिमल्स ऑफ द फॉरेस्ट आर प्लेइंग, टर्न बाय टर्न दे टॉस द बॉल ऑन देयर बैट्स अंटिल इट फॉल्स। कुछ एनिमल्स हैं फॉरेस्ट के जो खेल रहे हैं, बारी बारी से वो बॉल को टॉस करते हैं अपने बैट पर जब तक कि वो बॉल नीचे न गिर जाए। ईच प्लेयर गेट्स टू टर्न्स एंड बुन्नू रैबिट एड्स देयर पॉइंट्स। हर एक प्लेयर को दो दो टर्न्स मिलते हैं बारी बारी से, और जो बुन्नू रैबिट है वो टोटल काउंट करता है कि टोटल कितने पॉइंट्स हुए। बुन्नू रैबिट एड्स देयर पॉइंट्स, बुन्नू रैबिट उनके पॉइंट्स को ऐड करता है। बट डू यू नो हाउ ही एड्स, तो क्या आपको पता है वो कैसे ऐड करता है? चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले ये एक टॉर्टोइस है और सबसे पहले इसकी बारी है, तो ये सबसे पहला टर्न अपना ये चलता है। तो सबसे पहले जब ये टर्न चलता है तो बुन्नू रैबिट काउंट करता है और देखता है कि यू टॉस्ड द बॉल 14 टाइम्स, तुमने 14 बार बॉल को टॉस किया और उसके बाद बॉल नीचे गिर गया। तो फिर टॉर्टोइस कहता है आई हैव वन मोर टर्न, मेरे पास एक और टर्न बाकी है। तो फिर जब उसने टॉस किया तो इस बारी सिर्फ वो 7 बार टॉस कर पाया, ओनली 7 टॉसेस दिस टाइम, इस बारी तुमने सिर्फ 7 बार टॉस किए। अब पहली बारी उसने 14 बार टॉस किया था, दूसरी बारी उसने 7 बार टॉस किया, तो अब बुन्नू रैबिट इन दोनों टॉसेस को काउंट करेगा। बुन्नू एड्स ऑन द स्नेक टू एड 14 एंड 7। बुन्नू स्टैंड्स ऑन 14, He jumps 7 steps forward, he reaches 21। तो बुन्नू किस तरह से ऐड करता है? ऐड करने के लिए वो इस स्नेक को यूज़ करता है। ये जो स्नेक है, इस स्नेक को वो यूज़ करता है। तो सबसे पहले टॉर्टोइस के पास 14 पॉइंट्स थे, तो वो क्या करता है कि 14 पर खड़ा हो जाता है यहाँ पर, और उसके बाद ही jumps 7 steps forward। तो उसे अब 14 से 7 ऐड करना है, तो वो क्या करता है, 14 पे खड़ा होकर के वो 7 बार जंप करता है। तो चलिए देखते हैं, एक बार वो जंप करता है तो 14 से 15 पर आता है, फिर एक बार और जंप करता है तो 15 से 16, उसके बाद एक बार और जंप करता है तो 17, इस तरह से वो जंप करता है। तो चलिए हम लोग 14 पे खड़े होते हैं और यहाँ पर से 7 बार जंप करते हैं और देखते हैं कि बुन्नू रैबिट कहाँ तक पहुँचता है। तो सबसे पहले 14, उसके बाद यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो 7 बार जंप करने के बाद बुन्नू रैबिट 21 पर आता है, और इस तरह से जो आंसर है वो बुन्नू रैबिट को जो टोटल आंसर मिलता है वो है 21। ही रीचेस 21। तो फाइनली वो 21 पर पहुंचता है। इस तरह से 14 और 7 को ऐड करके वो टोटल 21 उसको आंसर मिलता है। ठीक है, तो 14 प्लस 7 उसने स्नेक के सहारे जब उसने ऐड किया तो उसे मिला 21। ओके, नेक्स्ट इज यू कैन ऑल्सो ऐड पॉइंट्स ऑन द स्नेक। तो नेक्स्ट, अब और भी जो एनिमल्स हैं फॉरेस्ट में वो भी खेल रहे हैं। तो नेक्स्ट अब बारी आती है इस फॉक्स की। तो जब फॉक्स के पास भी 2 टर्न्स हैं, तो फर्स्ट टर्न में वो 16 बार टॉस करता है और सेकंड टर्न में वो 7 बार टॉस करता है। तो अब बुन्नू रैबिट को काउंट करनी है कि टोटल कितनी हुई। तो सबसे पहले है 16 और फिर उससे हमें ऐड करना है 7। तो किस तरह से हम करेंगे, हम लोग फिर से इस बारी 16 में खड़े होंगे और 16 में खड़े होकर के हम इस बारी 7 जंप करेंगे। तो यहाँ पर है 16, तो अब हमें 7 बार जंप करनी है। तो चलिए 7 बारी जंप करते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7।
तो 7 बारी जंप करने के बाद हम पहुंचते हैं 23 पर, तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा 23। तो बुन्नो इसका कैलकुलेट करता है एज 23। नेक्स्ट है ये मंकी, तो मंकी ने जब 2 बारी टर्न किया तो फर्स्ट टर्न में उसने 18 बार टॉस किया और सेकेंड टर्न में उसने 10 बारी टॉस किया। तो अब इसे हमें काउंट करना है, तो हम 18 से स्टार्ट करेंगे और 10 बारी जंप करेंगे। तो चलिए अब हम इसे करते हैं। तो सबसे पहले हम 18 से स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पर हम खड़े होंगे और हमें 10 जंप करना है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर हुआ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो 10 बारी जंप करने के बाद हम आते हैं 28 पर, तो वहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा 28। नेक्स्ट उसी तरह से जब लायन की बारी आती है, तो जब वो 2 बार टॉस करता है, तो फर्स्ट टाइम पे जब वो टॉस करता है तो वो 19 बार जब टॉस करता है तो वो 19 बार टॉस कर पाता है, और सेकेंड बारी में वो 15 बार टॉस करता है। तो टोटल कितने टॉसेस होंगे, तो वो होगा 19 प्लस 15। तो हम सबसे पहले 19 पर खड़े होंगे और फिर 15 बार जंप करेंगे, तो हमारा टोटल आंसर आएगा। तो चलिए सबसे पहले हम 19 पर खड़े होते हैं स्नेक पर। तो यहाँ पर है 19 और हमें ऐड करना है 15। तो चलिए वो ऐड करते हैं। तो सबसे पहले हम 19 पर खड़े हैं, तो यहाँ पर होगा तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो 15 बारी जंप करने के बाद हम पहुंचते हैं 34 पे, तो हमारा आंसर है 34। इसे स्टूडेंट्स हम लोग एक और तरीके से कर सकते हैं। 19 और 15 जो है हम डायरेक्ट फिंगर्स के थ्रू काउंट करके भी डायरेक्टली कर सकते हैं, तो जो आंसर होगा वो होगा 34। तो 18 प्लस 10 जब हमने मंकी के लिए काउंट किया था, 18 प्लस 10 तो वो था यहाँ पर हमारा 28, तो यहाँ पर आंसर होगा 28। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है 49 प्लस। तो चलिए सबसे पहले 49 पर खड़े होते हैं और फिर 13 बार जंप्स करते हैं। तो यहाँ पर है 49, तो 49 यहाँ पर है और हमें 49 में 13 ऐड करना है, तो 14 पर खड़े होकर के हम 13 बार जंप करेंगे। तो चलिए 49, तो दिस इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो 13 में जंप करने 13 बार जंप करने के बाद हम पहुंचते हैं 62 पर, तो यहाँ पर आंसर होगा 62। नेक्स्ट इज 14 प्लस 7। अब हमें 14 को 7 से ऐड करना है, तो चलिए देखते हैं 14 प्लस 7। तो यहाँ पर है 14 और यहाँ पर से हम 7 बार जंप करेंगे, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो 14 से 7 ऐड करने पे हमें मिला 21, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 21। नेक्स्ट इज 33 प्लस 11। इस बार हमें 33 में खड़ा होना है और 11 टाइम्स जंप करना है, तो 33 यहाँ पर है और हमें 11 बार जंप करना है। तो चलिए यहाँ पर से स्टार्ट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो 11 बार जंप करने के बाद हम पहुँचते हैं 44 पर, तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा 44। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वन द गेम, तो गेम कौन जीता, तो जो सबसे ज़्यादा पॉइंट्स लाया गेम वो जीता। तो चलिए देखते हैं सबसे ज़्यादा पॉइंट्स किसने लाया। तो भालू ने 44 पॉइंट्स लाया और फॉक्स 23 पॉइंट्स लाया और लायन 34 पॉइंट्स लाया और मंकी 28 पॉइंट्स,
एलिफेंट ने टोटल 62 पॉइंट्स लाए और ये जो टॉर्टोइस है इसने 21 पॉइंट्स लाया। टोटल अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा पॉइंट्स एलिफेंट लाया विच इज़ 62, ये सबसे बड़ा है, इसीलिए जो विनर है हमारा वो है एलिफेंट। ओके, हु लॉस्ट द गेम, तो गेम कौन हारा, तो नेक्स्ट इज हु लॉस्ट द गेम, तो यहाँ पर एलिफेंट जीता, तो इसका मतलब ये है कि बाकी सारे एनिमल्स जो गेम खेल रहे थे वो सारे हार गए, तो यहाँ पर हमें सबके नाम लिखने होंगे, जैसे कि फॉक्स, ये सारे हार गए क्योंकि एलिफेंट जीत गया, तो इसका मतलब बाकी सारे हार गए, तो फॉक्स, भालू, बियर, लायन, मंकी, टॉर्टोइस, ये सारे हार गए। ठीक है, तो नेक्स्ट है द विनर गॉट बनानास फ्रॉम बुन्नो, तो जो जीता उसको बुन्नो के तरफ से बनानास मिले, मतलब एलिफेंट को बनानास मिले। नेक्स्ट इज गेस एंड टेल, प्रभा इज गोइंग टू हर ग्रैंड मदर हु लिव्स इन द नेक्स्ट विलेज, शी वॉन्ट्स टू टेक 15 kg शुगर केन, 7 kg एप्पल्स एंड 8 kg टोमेटोज, तो प्रभा अपने ग्रैंड मदर के पास जा रही है जो नेक्स्ट विलेज, मतलब जो पास वाले विलेज में रहती है, और जब वो जाएगी तो वो नाव के सहारे जाएगी, उसे एक नदी पार करके जाना है क्योंकि उसकी जो ग्रैंड माँ है उनका जो विलेज है वो नदी के उस पार है। शी हैज़ टू क्रॉस अ रिवर, उसे रिवर क्रॉस करके जाना है और उसे अपने साथ ये चीज़ें लेके जानी है, 15 kg शुगर केन, 7 kg एप्पल्स एंड 8 kg टोमेटोज, लेकिन वो कह रहे हैं कि इन द बोट शी कैन टेक 25 kg वेट, बोट में वो एक बार में 25 किलो वेट ही एक बार में कैरी कर सकती है। कैन शी कैरी ऑल द थिंग्स, क्या वो सारी चीज़ों को एक साथ कैरी कर सकती है, तो चलिए देखते हैं। वो अपने साथ ले जाना चाहती है 15 kg शुगर केन प्लस 7 kg एप्पल्स प्लस 8 kg टोमेटोज, तो ये कुल मिलाकर के कितने होते हैं, तो चलिए हम लोग स्नेक का यूज़ करते हैं, तो 15 प्लस 7 प्लस 8 हमें करना है, तो सबसे पहले हम करेंगे 15 प्लस 7 और उसके बाद जो बचेगा उसको हम 8 से ऐड करेंगे, तो सबसे पहले तो 15 प्लस 7 करते हैं, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं स्नेक, तो यहाँ पर हम 15 है, तो चलिए 7 ऐड करते हैं, तो 7 बार जंप करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो 15 प्लस 7 आया 22, तो अब फाइनली हमें क्या करना है, यहाँ पर आया 22, तो 15 प्लस 7 को जब हमने ऐड किया तो हमें आंसर मिला 22, तो अब हमें करना है 22 प्लस 8, तो अब हम 22 पर खड़े होंगे और 8 ऐड करेंगे, मतलब 22 पर खड़े होकर के 8 बार जंप करेंगे, तो चलिए 8 बार फिर से जंप करते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार जंप करने के बाद हम पहुंचे 30 पर, तो जो हमारा फाइनल आंसर हुआ वो हुआ 30, तो 15 प्लस 7 प्लस 8 इज इक्वल टू 30, और यहाँ पर वो कह रहे हैं कि शी कैन कैरी 25 kg वेट इन द बोट, बोट में वो सिर्फ 25 kg वेट कैरी कर सकती है और वो टोटल 30 kg वेट लेकर के जाना चाहती है अपने साथ, तो कैन शी कैरी ऑल द थिंग्स, द आंसर इज नो, शी कैनॉट कैरी ऑल द थिंग्स, क्योंकि वो 25 किलो से ज़्यादा है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट इज दिस टाइम द कंगारू, चिंप, डियर, जिराफ एंड टाइगर केम टू प्ले, इस बारी कंगारू, चिंप, डियर, जिराफ और टाइगर खेलने के लिए आए, बट द टाइगर लॉस्ट द गेम, लेकिन क्या हुआ कि टाइगर गेम हार गया, ही रब्ड ऑफ सम पॉइंट्स इन एंगर, तो जब टाइगर हार गया तो गुस्से में उसने कुछ पॉइंट्स मिटा दिए, राइट द मिसिंग पॉइंट्स, अब आपको मिसिंग पॉइंट्स लिखने हैं, हु इज द विनर दिस टाइम, इस बारी कौन विनर हुआ, तो ये है कुछ पॉइंट्स जो टाइगर ने यहाँ पर मिटा दिए, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें हमें
फिल करना है। तो 16 प्लस यहाँ पर क्या होगा कि दैट विल बी इक्वल टू 21। तो 16 से हम लोग क्या जोड़ेंगे कि वो 21 के बराबर होगा। तो हम लोग फिर से स्नेक का मेथड यूज़ करेंगे और हम लोग 16 पर खड़े होंगे और देखेंगे कि कितने बार जंप करने के बाद हम 21 पर पहुँचते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, आप इसे फिंगर्स के थ्रू भी कर सकते हो, बट हम लोग यहाँ पर स्नेक्स के थ्रू करेंगे। तो सबसे पहले 16 से हम लोग कितना ऐड करेंगे 21 पर हम पहुँचें। तो हम यहाँ पर हैं 16 पर, ठीक है। तो 16 पर से देखते हैं कि कितने बार जंप करने के बाद हम यहाँ 21 पर आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ से। 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 बार जंप करने के बाद हम 21 पर पहुँचे। तो यहाँ पर आंसर होगा 5। तो जो यहाँ पर आंसर है 5, तो जो पॉइंट टाइगर ने मिटाई थी वो है 5। नेक्स्ट इज, यहाँ पर क्या होगा कि अगर हम उससे 8 ऐड करें तो वी विल गेट 32। तो अब हमें देखना है कि यहाँ पर क्या नंबर होगा कि अगर हम उसके बाद 8 बार जंप करें तो हम 32 पर आएंगे। तो ये इस तरह से भी हम कह सकते हैं कि अगर हम 8 से स्टार्ट करें और उससे कितना ऐड करें कि हम 32 पर आएं। तो जैसे हम 8 से स्टार्ट करते हैं इस बार, और 8 से हम कितना ऐड करेंगे कि हम टोटल 32 पर आएंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 32 है। तो हमें कितनी बारी जंप करना है 8 से लेकर के कि हम 32 पर आएँ। तो इसे सॉल्व करने का एक तरीका और है कि हमें ये नंबर पता करना है, हमें ये नंबर पता नहीं है, लेकिन हमें फाइनली 32 पर जाना है। तो हमें स्टार्टिंग नंबर नहीं पता कि हम किस नंबर से शुरू करें, तो ये बात हमें नहीं पता है, लेकिन हमें ये पता है कि फाइनली हमें 32 पर जाना है। तो हम 32 से बैक डायरेक्शन में जंप करते हैं 8 बार और देखते हैं कि हम कहाँ पर पहुँचे। तो अगर हम 32 पर, जैसे कि अगर हम जंप करते हैं, जैसे यहाँ पर 16 से हमने जंप करना स्टार्ट किया था और 5 बारी जंप करने के बाद हम 21 पर आए थे। तो अगर हम 21 से भी अगर 5 बारी जंप करें, लेकिन इस बारी उल्टे डायरेक्शन में जंप करें, जैसे यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, तो वापस से हम 16 पर ही आ गए। तो 16 से 5 बार जंप करेंगे तो 21 पर आएंगे, और 21 से अगर 5 बार उल्टी दिशा में जंप करेंगे तो हम 16 पर चले जाएंगे। तो मैं वही कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमें शुरुआत में नहीं पता कि कहाँ पर हमें खड़ा होना है, बस हमें यह पता है कि हमें 8 बार जंप करनी है और हम 32 पर पहुँचेंगे। तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, हम इस बारी 32 से स्टार्ट करेंगे और 8 बारी जंप करेंगे उल्टी दिशा में। तो जैसे यहाँ पर 32 है, तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो 8 बारी उल्टी दिशा में जंप करने के बाद हम पहुँचते हैं 24 पर। तो हमारा आंसर जो होगा वो होगा 24। इस तरह से हम इसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर होगा 24। नेक्स्ट इज, 16 प्लस 13 इज इक्वल टू हाउ मच। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि हम सबसे पहले 16 पर हैं और हमें 13 बार जंप करना है, तो हम कहाँ पर पहुँचेंगे। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। हम सबसे पहले हैं 16 पर, तो जो 16 है वो यहाँ है और हमें 13 टाइम्स जंप करना है। तो चलिए जल्दी से करते हैं। तो यहाँ पर है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, तो 13 टाइम्स जंप करने के बाद हम पहुँचते हैं 29 पर। तो हमारा आंसर यहाँ पर है 29। नेक्स्ट इज, डैश प्लस 5 इज इक्वल टू 35। अब फिर से स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन इसी क्वेश्चन की तरह है। यहाँ पर हमें पता नहीं है कि हम कहाँ पर खड़े हैं, लेकिन हमें ये कहा है कि 5 बार जंप करनी है और फाइनली हमें 35 पर पहुँचना है। तो हम इसको इसी तरह से बनाएंगे। सबसे पहले हम 35 से इस बार स्टार्ट करेंगे और 5 बार उल्टी दिशा में जंप करेंगे।
तो यहाँ पर 35 है, यहाँ पर से हम स्टार्ट करेंगे और 5 बार उल्टी डायरेक्शन में जंप करेंगे, 1 2 3 4 5, तो 5 बार उल्टी डायरेक्शन में जंप करने के बाद हम 30 पर पहुँचते हैं, तो यहाँ पर आंसर होगा 30। तो जैसे स्टूडेंट्स, ये मैं एक बारी फिर से आपको बताता हूँ, यहाँ पर क्वेश्चन था कि हैश प्लस 5 इज इक्वल टू 35, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा आंसर आया कितना, 30। तो यहाँ पर आंसर आया 30। तो देखिए ये सही है या नहीं, अगर हम 30 से स्टार्ट करते हैं और 5 बार जंप करते हैं तो देखते हैं कितना आता है। तो 30 से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो 1 2 3 4 5 हम पहुँचते हैं 35 पर, ठीक है। तो यहाँ पर 30 नहीं दिया हुआ था, इसलिए हमने 35 से शुरू किया और 5 बार उल्टा डायरेक्शन में हमने जंप किया, तो इस तरह से हमारा आंसर हुआ 30, जो कि करेक्ट है। तो यहाँ पर आंसर है 30। नेक्स्ट इज 23 प्लस डैश इज इक्वल टू 30। तो 23 पर हम हैं और हम कितना बार जंप करें कि हम 30 पर पहुँचे, तो चलिए देखते हैं। तो इस बारी हम हैं 23 पर, जो कि यहाँ पर है, और हम कितनी बारी जंप करें कि हम 30 पर पहुँचेंगे। तो 23 से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो 23 पर अगर हम हैं तो हम 7 बार जंप करेंगे तब हम 30 पर पहुँचेंगे, तो यहाँ पर आंसर होगा 7। तो क्वेश्चन है कि राइट द मिसिंग पॉइंट्स, जो हमने लिख लिया, हु इज़ द विनर दिस टाइम, इस बारी विनर कौन है। तो हम देख सकते हैं कि टाइगर के टोटल 21 पॉइंट्स हैं और जिराफ के टोटल 32 पॉइंट्स हैं, फॉक्स के टोटल 29 पॉइंट्स हैं, मंकी के इस बारी 35 पॉइंट्स हैं, और ये कंगारू है, कंगारू के टोटल 30 पॉइंट्स हैं। तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा पॉइंट्स है वो है मंकी के, विच इज़ 35। तो इस बार विनर हुआ यहाँ पर मंकी, तो यहाँ पर हम लिखेंगे मंकी। चलिए नेक्स्ट स्टोरी देखते हैं। नेक्स्ट स्टोरी इज हेड्स एंड टेल्स, हैव यू सीन टू साइड्स ऑफ अ रूपी कॉइन। क्या आपने कभी एक कॉइन के दोनों साइड देखे हैं, विच साइड हैज वन, हेड्स और टेल्स। तो जो रुपी कॉइन होता है, ये वाला जो साइड होता है वो होता है हेड्स, और ये वाला जो साइड होता है वो टेल्स होता है, और जो वन होता है वो टेल्स वाले साइड में होता है, तो यहाँ पर टेल्स आंसर है। समीना एंड सादिक आर प्लेइंग, द बोर्ड हैज़ नंबर्स फ्रॉम 1 to 99, ईच प्लेयर हैज़ अ बटन। समीना और सादिक खेल रहे हैं एक बोर्ड के साथ, उस बोर्ड में कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं फ्रॉम 1 to 99, ईच प्लेयर हैज़ अ बटन, हर एक प्लेयर के पास एक बटन है। दे टॉस अ कॉइन, इफ इट इज हेड्स द बटन मूव्स 10 steps। तो वो एक कॉइन को टॉस करते हैं और अगर हेड्स आता है तो जो बटन है वो 10 steps आगे बढ़ता है, और अगर वो टेल्स आता है तो वो 1 step आगे बढ़ता है। सो इफ समीना इज ऑन 6, शी मूव्स टू 16। तो अगर समीना 6 पर है तो 6 + 10 = 16। तो अगर समीना 6 पर है और समीना ने कॉइन को टॉस किया और अगर वो हेड्स आया तो वो 10 step आगे बढ़ेगी, मतलब 6 + 10 विच इज इक्वल टू 16, शी मूव्स टू 16। इफ़ शी गेट्स टेल्स शी मूव्स ओनली 1 point। लेकिन अगर समीना ने कॉइन को टॉस किया और वो टेल्स आया तो वो सिर्फ 1 step मूव करेगी, तो मतलब अगर वो 6 पर है तो 1 step मूव करने के बाद 6 + 1 = 7, ठीक है। और अगर हेड्स आता है समीना का, और अगर वो 6 पर है और अगर हेड्स आता है, तो इट विल बी 6 + 10 विच इज इक्वल टू 16। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज आपको करनी है। नाउ यू ऑल्सो प्ले दिस गेम, द वन हु रीचेज होम फर्स्ट विन्स द गेम, इज देयर अ शॉर्टकट फॉर 10 steps। तो वो कह रहे हैं कि आप भी ये गेम खेलो और जो सबसे पहले होम पर पहुँचेगा वो जीत जाएगा। तो आप क्या कर सकते हो, आप अपने फ्रेंड के साथ ये गेम खेल सकते हो, आप एक कॉइन लो और आप सबसे पहले टॉस करो और फिर आप अपने फ्रेंड को टॉस करने को दो, अगर आपका हेड्स आता है
तो आप दोनों ही स्टार्ट से स्टार्ट करो। आपका अगर हेड्स आता है तो आप यहाँ से 10 स्टेप्स मूव फॉरवर्ड करो, मतलब आप सीधा 10 पर जाओ, और अगर टेल्स आता है तो आप यहाँ से 1 पर जाओ, ठीक है। और फिर आप अपने फ्रेंड को बोलो वही चीज़ करने, और इस तरह से आप लोग ऐड करते जाओ और देखो कि फाइनली होम पर कौन सबसे पहले पहुँचता है। जो सबसे पहले होम पर पहुँचेगा ही विल बी द विनर, ठीक है। तो इसको आप घर पर खेलो। टू एट अ टाइम चिंटू एंड मिंटू वेंट शॉपिंग। चिंटू और मिंटू शॉपिंग पर गए। दे बॉट सम थिंग्स, उन्होंने कुछ चीज़ें खरीदी। टू पे दे यूज नोट्स एंड कॉइन्स, बट ओनली टू एट अ टाइम। तो पे करने के लिए उन लोगों ने नोट्स और कॉइन्स यूज़ किए, बट ओनली टू एट अ टाइम, लेकिन सिर्फ दो चीज़ों को उन्होंने यूज़ किया एक बार में, ठीक है। लेकिन वो कह रहे हैं कि आउट ऑफ दीज विच टू दे कैन यूज टू बाई द थिंग्स बिलो, दे कैन यूज़ द सेम नोट और कॉइन मोर देन वन टाइम। तो वो कह रहे हैं कि ये जो नीचे दी हुई चीज़ें हैं, इन नोट्स और कॉइन्स के सहारे वो इन किन चीज़ों को ख़रीद सकते हैं, और वो कह रहे हैं कि वो सेम नोट को दो बार यूज़ कर सकते हैं या सेम कॉइन को दो बार यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स कि वो इन में से किन चीज़ों को ख़रीद सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले एक बैट है जो 20 रुपीज़ का है, तो वो किन दो चीज़ों का इस्तेमाल करके इस बैट को ख़रीद सकते हैं। तो हमें दो चीज़ों का इस्तेमाल करनी है। तो अगर हम 20 रुपीज़ को लेंगे तो यहाँ पर सिर्फ 20 रुपीज़ होगा, तो हमें दो चीज़ों का, तो जो कुल मिला करके 20 हो गया, तो वो एक ही चीज़ हुआ, एक ही नोट हम यूज़ किए। हमें दो चीज़ों का यूज़ करना है, तो इसलिए हम यहाँ पर 2 10 रुपी के नोट्स यूज़ करेंगे। तो 10 + 10 इज़ इक्वल टू होता है 20, और इस तरह से हम दो, और हमारे पास दो नोट्स आ गए, तो दो चीज़ों का यूज़ करके हम इस बैट को ख़रीद सकते हैं, ठीक है। तो ये एज एन एग्ज़ाम्पल किया हुआ है। नेक्स्ट है ये बुक, ये ₹10 का है। तो बताओ स्टूडेंट्स कि इनमें से किन दो चीज़ों का प्रयोग करके हम इस बुक को ख़रीद सकते हैं। तो अगर हम इस 10 रुपी वाले नोट को यूज़ करें और यहाँ पर इस 10 रुपी वाले नोट से इस बुक को ख़रीदें, तो क्या हम उसे ख़रीद सकते हैं। तो हमें दो चीज़ों का यूज़ करना है, तो इस 10 रुपी वाले नोट, इस क्वेश्चन के अनुसार हम उसे नहीं ख़रीद सकते, क्योंकि हमें दो चीज़ों का यूज़ करना है। यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देखो, टू पे दे यूज नोट्स एंड कॉइन्स बट ओनली टू एट अ टाइम। तो आपको दो चीज़ों को यूज़ करना है एट अ टाइम। तो यहाँ पर क्या दो चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं इसे ख़रीदने के लिए, तो हम यहाँ पर 2 5 रुपी के कॉइन्स यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि 5 + 5 जो होता है, 5 + 5 इज़ इक्वल टू 10। तो 2 5 रुपी कॉइन्स मिला करके 10 रुपीज़ होते हैं, तो हम उन 2 कॉइन्स को यूज़ करके इसे ख़रीद सकते हैं। नेक्स्ट इज़ ये बॉल विच इज़ ₹40। तो आप स्टूडेंट्स बताओ कि किन दो चीज़ों को यूज़ करके हम इस बॉल को ख़रीद सकते हैं जो ₹40 का है। तो यहाँ पर क्या हम ₹50 का नोट यूज़ कर सकते हैं। ₹50 तो 40 से बड़ा होता है, तो इसे हम यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर हम 2 20 रुपी के नोट्स यूज़ कर सकते हैं। तो 2 20 रुपी के नोट्स यूज़ करेंगे तो हमारे पास दो चीज़ें आ गई, और 20 + 20 इक्वल टू होता है 40। तो 20 + 20 इज़ इक्वल टू 40, और हमने दो चीज़ों का यूज़ भी यहाँ पर कर लिया। तो इस तरह से हम 2 20 रुपी के नोट्स को यूज़ करके इस बॉल को ख़रीद सकते हैं। नेक्स्ट है ये टी शर्ट जो ₹60 का है। तो चलिए देखते हैं कि किन दो चीज़ों को यूज़ करके हम इसे ख़रीद सकते हैं। तो जो टी शर्ट है वो ₹60 का है, तो क्या हम ये ₹20 और ₹10 को यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम 20 और प्लस 10 करें तो 20 + 10 इज़ इक्वल टू होता है 30, और वो टी शर्ट है ₹60 का, और हमारे पास टोटल आए 30, और हमने दो चीज़ों को यूज़ कर लिया, तो हम 20 और 10 रुपये वाले नोट इन दोनों को यूज़ नहीं कर सकते, हमें किसी और चीज़ का को यूज़ करना है। तो चलिए देखते हैं कि हम किसे यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट अगर हम ये ₹50 को यूज़ करें, तो यहाँ पर आ गया 50, लेकिन वो टी शर्ट टोटल ₹60 का है, तो हमें एक चीज़ और यहाँ पर यूज़ करनी है, तो वो हम क्या यूज़ कर सकते हैं। तो वहाँ पर हम 10 रुपये वाले इस नोट को यूज़ कर सकते हैं। तो 50 + 10 अगर हम करें तो वो टोटल होगा ₹60, और उस टी शर्ट का दाम भी ₹60 है, और हमने दो चीज़ों को यहाँ पर यूज़ कर लिया। तो 50 + 10 इज़ इक्वल टू 60, तो यहाँ पर हमें यूज़ करना होगा एक ₹50 का नोट
प्लस 10 रुपये का नोट विच विल बी इक्वल टू 60। ओके नेक्स्ट इज यहाँ पर ये ड्रेस विच इज़ 25 रुपीज़, तो ये जो ड्रेस है वो 25 रुपीज़ का है, तो हम देखते हैं कि किन दो चीज़ों को यूज़ करके हम इस ड्रेस को ख़रीद सकते हैं। तो 25 रुपीज़ के लिए क्या हम 10 रुपी के नोट को यूज़ कर सकते हैं? तो हमें 5 रुपीज़ तो यूज़ करनी है, तो वो यहाँ पर है, और 10 प्लस 5 होता है 15, तो हमें 25 रुपीज़ चाहिए, तो हम इसे यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम 20 और 5 करें, एक 20 रुपीज़ का नोट और एक 5 रुपी का नोट अगर हम करें, तो 20 प्लस 5 इज़ इक्वल टू 25। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने दो चीज़ों का यूज़ किया, एक 20 रुपी का नोट, एक 5 रुपी का कॉइन, और वो टोटल हो गया 25 रुपीज़। तो हम इन दो चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो हम लिखेंगे 20 प्लस 5, एक 20 रुपी का नोट और एक 5 रुपी का कॉइन, प्लस 5 इज़ इक्वल टू 25। तो ये हो गया हमारा सोल्यूशन। हाउ फास्ट कैन यू ऐड? वेलू तुम क्या कर रहे हो? अक्का प्लीज़ हेल्प मी ऐड। अक्का आप मेरी हेल्प ऐड करने में मदद करो। तो वेलू को ऐड करना है 7 + 5 + 3, और अक्का उसकी मदद कर रही है। तो वो कैसे करती है? ओह, यू कैन ऐड दीज विदाउट राइटिंग। तुम इन नंबर्स को ऐड कर सकते हो बिना लिखे। स्टार्ट फ्रॉम 7 एंड देन काउंट 5 मोर टू मेक 12। तो वो कहती है तुम 7 से स्टार्ट करो और फिर 7 से 5 ऐड करो तो तुम्हें मिलेगा 12, बिकॉज 7 + 5 इज़ इक्वल टू 12। देन ऐड 3 मोर, यू गेट 15, और फिर तुम 3 और ऐड करो, यू विल गेट 15। तो यहाँ पर हम देखिए 7 + 5 + 3, तो 7 + 5 इज़ इक्वल टू 12 एंड 12 + 3 इज़ इक्वल टू 15। तो इस तरह से आप बिना लिखे डायरेक्टली इसे ऐड कर सकते हो। यू स्टार्ट फ्रॉम 7 और उसके बाद आप 5 बार जंप कर सकते हो, तो यू विल रीच 12। उसके बाद आप 3 बार और जंप कर सकते हो, यू विल रीच 15। यू कैन ऑल्सो ऐड 7 and 3 फर्स्ट टू गेट 10 एंड देन ऐड 5। तो अक्का कहती है कि तुम 7 और 3 को भी पहले ऐड कर सकते हो, तो 7 + 3 विल बी 10, और फिर तुम 5 को ऐड कर सकते हो, तो 10 + 5 फाइनली इट इज़ इक्वल टू 15। दोनों केस में हमारा आंसर 15 होगा। तो पहले आप 7 और 5 को ऐड करो, उसके बाद आप 3 ऐड करो, या फिर आप पहले 7 और 3 को ऐड करो उसके बाद 5 ऐड करो, दोनों केस में हमारा आंसर जो है वो सेम होगा। नेक्स्ट इज डू दीज। तो ये हमें सॉल्व करनी है 5 + 5 + 7। तो स्टूडेंट्स हम इसे कैसे ऐड करेंगे? सबसे पहले हम 5 + 5 ऐड करेंगे और जो आंसर होगा उसको 7 से ऐड करेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि ये आप मेंटली करो, अपने माइंड में कैलकुलेशन करो। हम इसको करने के लिए किसी चार्ट का यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप नहीं ऐड कर पा रहे हो तो आप काम करो, वीडियो को पॉज करो और जो स्नेक चार्ट है उसको देख करके आप सिंपली ऐड कर सकते हो और आंसर यहाँ पर मिला सकते हो। तो ये है 5 + 5 + 7। तो सबसे पहले हम ऐड करेंगे 5 + 5, तो 5 + 5 होता है 10, और 10 + 7, तो फाइनली हमारे पास हुआ 10। तो 10 + 7, तो 10 + 7 होता है 17। तो ये जो आंसर होगा यहाँ पर वो होगा टोटल 17। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूँ आपको भी 17 आंसर आया। अगर नहीं आया तो आप प्लीज़ स्नेक चार्ट का यूज़ करके फिर से इसको ऐड करो और इसे फिर से करो। नेक्स्ट 6 + 5 + 4। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 6 + 5, तो 6 + 5 जो होता है, 6 + 5 इज़ इक्वल टू 11। तो नेक्स्ट हमें करना है 11 + 4, तो 11 + 4 इज़ इक्वल टू 15। तो 11 + 4 जो होता है वो होता है 15। तो यहाँ पर आंसर होगा 15। नेक्स्ट इज 9 + 4 + 1। तो यहाँ पर हम काम करेंगे, सबसे पहले 9 + 1 करेंगे, तो 9 + 1 होता है 10, और फाइनली हम 4 ऐड करेंगे जो आंसर आया हमारा। तो 9 + 1 इज 10, तो फाइनली जो हम करेंगे वो है 10 + 4। तो 10 + 4 इज इक्वल टू 14। तो यहाँ पर आंसर होगा 14। नेक्स्ट इज
सेवन प्लस थ्री प्लस एट, तो सेवन प्लस थ्री सबसे पहले हम सेवन प्लस थ्री ऐड करेंगे, तो सेवन प्लस थ्री इज टेन एंड टेन प्लस एट, तो यहाँ पर सेवन प्लस थ्री जो होता है दैट इज इक्वल टू टेन और टेन प्लस एट इज इक्वल टू एटीन, तो यहाँ पर आंसर होगा एटीन। नेक्स्ट एट प्लस थ्री प्लस टू, तो एट प्लस थ्री इज इक्वल टू इलेवन एंड इलेवन प्लस टू इज इक्वल टू थर्टीन, तो यहाँ पर आंसर है थर्टीन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप इन सब आंसर्स को अच्छे से मिलाना। नेक्स्ट इज किलर लिजर्ड, अ लिजर्ड मूव्स वन होल टू अनदर, एज इट मूव्स इट ईट्स इंसेक्ट्स हिडन इन द होल। तो एक लिजर्ड है जो मूव करता है फ्रॉम वन होल टू अनदर, एज इट मूव्स जैसे ही वो मूव करता है, इट ईट्स इंसेक्ट्स हिडन इन द होल, वो जो इंसेक्ट्स हैं होल के अंदर उन्हें खा जाता है। द नंबर ऑफ इंसेक्ट्स इन ईच होल इज शोन, तो जो नंबर ऑफ इंसेक्ट्स हैं हर एक होल में वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। जैसे इस होल में नाइन इंसेक्ट्स हैं, इस होल में एट इंसेक्ट्स हैं, इस होल में सिक्स हैं, इस तरह से। तो वो कहते हैं कि द लिजर्ड कैन मूव ओनली अलोंग द लाइन्स, लिजर्ड सिर्फ इन लाइन्स के अलोंग ही मूव कर सकता है ऐसे, ठीक है, वो और किसी डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकता। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द ब्लू होल इन द पिक्चर, वो कहते हैं कि इस होल से स्टार्ट करके द लिजर्ड गोज टू थ्री होल्स टू ईट 18 इंसेक्ट्स। तो यहाँ पर अगर वो स्टार्ट करता है तो इट गोज टू थ्री होल्स टू ईट 18 इंसेक्ट्स। वो कैसे करता है 18, तो वो अगर यहाँ से ऐसे जाए तो यहाँ से 8, उसके बाद 1 और उसके बाद 9, तो 8 प्लस 1 प्लस 9, 8 प्लस 1 होता है 8 प्लस 1 होता है 9 और 9 प्लस 9 इज इक्वल टू 18। तो अगर वो तीन होल इस तरह से मूव करता है स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, फिर वो सबसे पहले 8, 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 9 18, तो वो टोटल 18 इंसेक्ट्स खाता है। नेक्स्ट इज व्हाट पाथ कैन द लिजर्ड टेक टू ईट 12 इंसेक्ट्स, तो वो कह रहे हैं कि कौन सा ऐसा पाथ है जो लिजर्ड टेक यूज़ करे कि वो 12 इंसेक्ट्स को खा पाए। तो 12 इंसेक्ट्स को खाने के लिए चलिए देखते हैं, और हमें बस तीन होल्स कवर करने हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम इस तरह से जाएं 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 2, 9 प्लस 2 इज 11, बट हमें चाहिए 12, तो ये हमारा पाथ सही नहीं है। तो चलिए हम कोई और पाथ देखते हैं। तो अगर हम यहाँ पर से जाएं कि यहाँ से ऐसे 2, तो 2 प्लस 1, 2 प्लस 1 इज 3 एंड 3 प्लस 9, 3 प्लस 9 इज 12, तो ये जो पाथ है अगर लिजर्ड इस पाथ से जाता है तो वो 12 इंसेक्ट्स खा पाएगा, तो आंसर इज 219। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 219, 2 प्लस 1 प्लस 9 इज इक्वल टू 12। नेक्स्ट इज व्हाट पाथ कैन लिजर्ड टेक टू ईट 20 इंसेक्ट्स, तो लिजर्ड कौन सा पाथ अपनाए कि वो 20 इंसेक्ट्स इस बारी खा पाए। तो हमें तीन होल्स कवर करने हैं और टोटल होना चाहिए 20। तो अगर लिजर्ड इस जगह से स्टार्ट करे और इस दिशा में जाए तो 8, तो 8 प्लस 9, तो 8 प्लस 9 होता है 17 और 17 प्लस 3 होता है 20। तो अगर वो इस दिशा में जाए तो हमें वो टोटल 20 इंसेक्ट्स खा सकता है, तो आंसर इज 893। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 893। नेक्स्ट इज दिस टाइम द लिजर्ड गोज टू फोर होल्स टू ईट इंसेक्ट्स, व्हाट पाथ डज द लिजर्ड टेक टू ईट 18 इंसेक्ट्स, तो इस बारी तीन होल के जगह पर हमें चार होल्स कवर करने हैं और टोटल इतना होना चाहिए कुल मिला करके, तो टोटल 18 होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि चार होल्स कवर करके किस तरह से हम टोटल 18 कर सकते हैं। तो टोटल चार होल्स कवर करने के बाद हमें 18 मिलने चाहिए आंसर में। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो अगर लिजर्ड यहाँ से स्टार्ट करे और वो कुछ ऐसे जाए कि सबसे पहले 6 और उसके बाद 3, तो 6 प्लस 3 इज 9
और उसके बाद 8, तो 9, यहाँ तक हमें 9 मिल चुके हैं, तो 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 8 इज 17, और 17 प्लस 1, तो 17 प्लस 1 इज 18, तो हमें चाहिए थे कितने, 18, और हमें कितने होल्स कवर करने थे, 1, 2, 3, 4, तो देखते हैं हमारे पास टोटल यहाँ पर 18 आ गए और हमने 1, 2, 3, 4 चार होल्स कवर कर लिए, तो ये हमारा आंसर होगा। तो जो आंसर होगा वो होगा 6, 3, 8, 1, तो हम लिखेंगे जो पाथ है वो है 6, 3, 8, 1, तो यहाँ पर 6, 3, 8, 1। नेक्स्ट इज 12, हमें इसी तरह से चार होल्स कवर करने हैं और इस तरह से कवर करने हैं कि जब हम उन सबको ऐड करें तो वहाँ पर 12 हो, तो यहीं से हमें फिर से स्टार्ट करनी है। तो चलिए देखते हैं, तो हमें चाहिए 12, तो अगर हम इस रास्ते पर जाएं तो 8 प्लस 9, 8 प्लस 9 होता है 17, जो हमें और हमें चाहिए 12, तो यहाँ पर ही हमें 17 मिल गया जो 12 से काफ़ी बड़ा है, तो ये रास्ता सही रास्ता नहीं है, हमें बस 12 ही चाहिए। तो चलिए इस रास्ते पर देखते हैं, तो यहाँ पर है 2, 2 प्लस 1 इज 3, 3 प्लस 0 इज़ अगेन 3, एंड देन 3 प्लस 9 इज 12, तो ये जो रास्ता है यहाँ पर से हमें 12 मिल रहा है, तो ये है हमारा आंसर। तो आंसर होगा 2, 1, 0, 9, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2, 1, 0, 9। तो ये जो क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स, ये आपको मेंटली करने के लिए दिए हुए हैं कि आप माइंड में ही कैलकुलेट कर सको। अगर आप नहीं कर पा रहे हो या स्टार्टिंग में अगर आपको थोड़ी दिक्कत आ रही है, तो आप ये जो स्नेक टेबल है जो स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था, आप इस टेबल का यूज़ करके जंप करके आप उसे सॉल्व करो, तो वो आसानी से सॉल्व हो जाएगा, लेकिन आंसर करेक्ट आप लेके आओ, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज प्ले टाइम, समीना एंड सादिक आर नाउ प्लेइंग अनदर गेम ऑन द बोर्ड ऑफ हेड्स एंड टेल्स। समीना और सादिक फिर से अब खेल रहे हैं ऑन द बोर्ड ऑफ हेड्स एंड टेल्स, तो यहाँ पर जो बोर्ड हमने देखा था हेड्स एंड टेल्स का, समीना और सादिक, ये जो समीना और सादिक हैं ये फिर से यहाँ पर खेल रहे हैं हेड्स एंड टेल्स यहाँ पर इसी बोर्ड में, लेकिन इस बारी वो क्या कर रहे हैं कि दे थ्रो 2 डाइस एंड ऐड नंबर्स टू गेट देयर पॉइंट्स। इस बारी वो कॉइन यूज़ नहीं कर रहे, इस बारी वो 2 डाइस यूज़ कर रहे हैं। ये एक डाइस होता है जिसमें अलग अलग नंबर्स लिखे होते हैं, जैसे एक साइड में 6 नंबर होता है, एक साइड में 3, एक साइड में 2, तो वो डाइस में 1 से लेकर के 6 नंबर लिखे होते हैं। टोटल इस डाइस के 6 साइड्स होते हैं और हर साइड में एक नंबर लिखा होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, इस तरह से एक एक नंबर हर एक साइड में लिखा होता है। तो वो इस डाइस को यूज़ करके खेल रहे हैं। तो आपको क्वेश्चन है कि यू टू प्ले दिस गेम, थ्रो योर डाइस एंड राइट योर पॉइंट्स, सी हु इज़ द फर्स्ट टू रीच होम। तो आप यहाँ से फिर से स्टार्ट करो जो स्टार्टिंग पॉइंट है, और आप इन डाइसेस को यूज़ करो, और फिर 2 डाइस को यूज़ करके आप बारी बारी से अपने फ्रेंड के साथ खेलो, फेंको डाइसेस को और देखो कि कितना हुआ। जैसे फर्स्ट टाइम पे 2 डाइस आपने फेंका तो आपका आया इस तरह से कोई नंबर 6, और जो नेक्स्ट डाइस पर नंबर है वो है 5, तो आपको बस उन दोनों नंबर्स को ऐड करना है, 6 प्लस 5 इज़ इक्वल टू 11। तो जैसे आपने फर्स्ट टर्न चला, आपका आया टोटल 11, तो आपको कैसे खेलना है ये गेम, बोर्ड पर आप जैसे यहाँ पर स्टार्टिंग में हो, तो आपका आया टोटल 11, तो आपको 11 स्टेप्स टोटल जंप करने हैं, तो जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, तो यहाँ पर आप पहुँचे, तो इस तरह से आप यहाँ पर पहुँचे। उसके बाद आप अपने फ्रेंड को बोलो कि वो डाइस फेंके और देखो वो कहाँ पर पहुँचा, उसके बाद फिर से आपकी टर्न आएगी, और फिर फाइनली देखो कि होम पर सबसे पहले कौन पहुँचा, और जो सबसे पहले होम पर पहुँचा वो हमारा विनर होगा। तो इस गेम को आप खेलो स्टूडेंट्स अपने फ्रेंड्स के साथ। तो स्टूडेंट्स ये था चैप्टर 10 फॉरेस्ट प्ले, आशा करता हूँ आप सबको सारा चीज़ समझ आया, और नेक्स्ट अब हम लोग मिलेंगे चैप्टर 11 में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।